जदयू में आरसीपी खेमे पर लगातार कार्रवाई हो रही है। आरसीपी सिंह को राजनीतिक रूप से जदयू में हाशिए पर पहुंचाने की रणनीति पर एक तरह से काम हो रहा है। जो जानकारी मिल रही है 40 से अधिक लोगों की लिस्ट तैयार हुई है जो आरसीपी समर्थक हैं। 5-6 लोगों पर कार्रवाई भी हो चुकी है। प्रवक्ता सुहेली मेहता और प्रवक्ता अजय आलोक दोनों पर कार्रवाई हो चुकी है। अनिल कुमार जो महासचिव हैं उन पर भी कार्रवाई हुई है और प्रवीण यादव उन पर भी कार्रवाई है। इन सबको प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया जा चुका है और आने वाले दिनों में कई पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। हालांकि आरसीपी समर्थक अभी खुलकर बोलने से बच रहे हैं, शायद आरसीपी सिंह के इशारे का इंतजार है, लेकिन पार्टी के अंदर साफ मैसेज देने की कोशिश है और अनुशासन के नाम पर इस कार्रवाई को सही बताया जा रहा है। ऐसे लोग को मैं सावधान करना चाहता हूं, इसीलिए एक्शन भी लेता हूं। पार्टी में सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू हैं और जो पार्टी के जिन पद पर हैं सब लोग को दायित्व दिया गया, जिम्मेवारी दी गई। कोई पार्टी के अनुशासन या कुछ भी इस तरह के कोई वक्तव्य देते हैं तो निश्चित रूप से पार्टी एक्शन लेती है, कार्रवाई करती है उन लोगों। जदयू के वरिष्ठ नेताओं का भी इशारा साफ है कि किसी की नज़दीकी या दूरी को देखकर कार्रवाई नहीं हो रही है, अनुशासन को लेकर ही कार्रवाई की जा रही है। नहीं नहीं, देखिए, किसी की नज़दीकी और किसी के दूर कोई व्यक्ति है इस आधार पर कार्रवाई नहीं होती है। पार्टी अनुशासन के तरीका से चले और कोई अनुशासन के इधर उधर कोई व्यक्ति जाएगा तो स्वाभाविक रूप से पार्टी का काम है कार्रवाई करना, किसी भी दल में होता है, यहाँ भी कार्रवाई हुई है। मंत्रिमंडल देखिए, इस दल में चाहे श्रवण कुमार के समर्थक हों, चाहे किसी भी कद्दावर नेता के समर्थक हों, अगर गलत काम करेंगे, पार्टी के अंदर रह के पार्टी के खिलाफ काम करेंगे या पार्टी की गतिविधियों के खिलाफ काम करेंगे, पार्टी के नीति सिद्धांत कार्यक्रम का विरोध करेंगे, तो इस तरह के कृत्य करने वाले कोई भी व्यक्ति हो उनको यही इसी तरह की सजा उनको मिलेगी, इसी तरह की उन पर कार्रवाई होगी। मतलब आगे भी मिलेगी लोगों की मिलता रहा है, कोई नई बात नहीं है। ये पहली दफ़ा इस तरह की कार्रवाई पार्टी में नहीं हुई, अनेक लोगों पर कार्रवाई हुई है और अनेक लोग पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से उनको हटाया गया है, उनको निलंबित किया गया है, पद से हटाया गया, एक बार अनेक बार ऐसे। वहीं आरजेडी का साफ कहना है कि यह जदयू का अंदरूनी मामला है, लेकिन साफ दिख रहा है पार्टी नेतृत्व के इशारे पर ही जो प्रदेश नेतृत्व है वह कार्रवाई कर रहा है। देखिए, नंबर के दावेदार जो नेतृत्व करता है वही बनाते हैं और जब नेतृत्वकर्ता को लगता है कि हमारे विश्वास पर ये खरे नहीं उतर रहे हैं तो उनके दावेदारी को भी खारिज करवाने का उनके द्वारा ही प्रयास होता है और उसमें वो हद तक सफल हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई अपने नेतृत्व की ओर देखता है कि नेतृत्व क्या करना चाहता है और नेतृत्व का स्पष्ट संदेश जब चला जाता है तो उसी अनुसार पार्टी के अंदर एक्ट शुरू हो जाता है। कुल मिलाकर देखें तो पहले आरसीपी सिंह को राज्यसभा का उम्मीदवार नहीं बनाया गया और उसके कारण केंद्रीय मंत्रिमंडल में बने रहना संभव नहीं दिखता है और जिस बंगले में पिछले कई सालों से रह रहे थे वह भी वापस ले लिया गया है और अब उनके समर्थकों पर भी गाज गिरने लगी है और आने वाले दिनों में जो लिस्ट तैयार हुई है उसके अनुसार जो उनके नज़दीकी हैं उन पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। तो एक तरह से आरसीपी सिंह को राजनीतिक रूप से हाशिए पर पहुंचाने की तैयारी है। अविनाश, ईटीवी भारत, पटना।